हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने समझा था लिटरेचर और सिनेमा होता क्या है और एडेप्टेशन से हमारा क्या मतलब है। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड द प्लॉट, बेसिक प्लॉट ऑफ मैकबेथ। आज हम करने वाले हैं मकबूल का एडेप्टेशन। मकबूल किस तरीके से अडेप्ट की गई है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, ऑल दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। लिटरेचर एंड सिनेमा, इस सब्जेक्ट में सिर्फ फिल्म अडेप्टेशंस ही नहीं है बल्कि कुछ फिल्म थियोरीज भी हैं। ये तीन मेजर थियोरीज हैं, जेम्स मनेको की एंड द मेल गेज बाय लॉरा मल्वे और वॉल्टर बेंजामिन की थियोरी द वर्क ऑफ आर्ट। ये तीनों थियोरीज आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगी अंडर दिस सब्जेक्ट, अंडर दिस हेडिंग लिटरेचर एंड सिनेमा। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस लिंक की हेल्प से आप लोग अपनी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और इन तीन वीडियोज के बाद आज ये मैकबेथ का वीडियो भी ऐड हो जाएगा। मैकबेथ के वीडियो को हम लोग तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। एक में हम मैकबेथ को समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मकबूल को समझेंगे और उसके बाद के पार्ट में हम थ्रोन ऑफ ब्लड को समझेंगे। आजकल जो सेशन हमारा चल रहा है दैट इज सिनेमेटिक अडेप्टेशंस ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ, और आज हम इसी सीरीज में करेंगे मकबूल। थ्रोन ऑफ ब्लड और मकबूल सबसे ज्यादा पॉपुलर अडेप्टेशंस हैं मैकबेथ के। आप कोई भी क्वेश्चन करिए अपने एग्जाम में, चाहे वो पूछा गया हो लिटरेचर और सिनेमा के कंपैरिजन के बारे में, चाहे वो क्वेश्चन हो मैकबेथ और मकबूल के कंपैरिजन के बारे में, चाहे वो क्वेश्चन हो मैकबेथ और थ्रोन ऑफ ब्लड के कंपैरिजन के बारे में, आप शुरुआत यहाँ से करिए अपने आंसर की। फिल्म और लिटरेचर, इनमें क्या रिलेशनशिप है पहले वो बताना जरूरी है। दोनों ही कनेक्टेड हैं लेकिन अपने आप में यूनिक है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव कैरेक्टर्स। मियां मकबूल इज द रोल ऑफ मैकबेथ प्लेड बाय इरफान खान। निमी द लव इंटरेस्ट ऑफ मकबूल एंड वाइफ ऑफ द डंकन कैरेक्टर पंकज कपूर प्लेड बाय तबू, शी इज द लेडी मैकबेथ। ओम पुरी एंड नसरुद्दीन शाह कंबाइंडली प्लेड द रोल ऑफ विचेस। पीयूष मिश्रा प्लेड द रोल ऑफ बेंको। अंकुर विकाल प्लेड द रोल ऑफ मैकडफ। अजय गहल प्लेड द रोल ऑफ रियांस इन द फॉर्म ऑफ गुड्डू एंड मासूमी मकीजा प्लेड द रोल ऑफ मेलकम एंड डेनोलबेन। ओनली वन कैरेक्टर वॉज केप्ट इन द मूवी, शी इज अब्बाजीज डॉटर। प्लॉट देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। जहांगीर खान और अब्बा जी एंड किंग डंकन ऑफ द प्ले प्लेड बाय पंकज कपूर इज द डॉन ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड उनकी पावर बहुत ही ज्यादा है और बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने हेंचमैन मकबूल पर। मकबूल मैकबेथ द रोल प्लेड बाय द वेरी नाइस लेट एक्टर इरफान खान, हु हैज बीन ब्रॉट अप बाय अब्बा जी। अब्बा जी ने उसकी देखभाल की है हमेशा से और अपने गैंग में इंक्लूड भी किया है। कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं व्हेन मकबूल एंड निमी, जो कि अब्बा जी की मिस्ट्रेस हैं, लेडी मैकबेथ हैं, दे फॉल इन लव। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज दिखाया गया, एक लव का क्रॉस कनेक्शन दिखाया गया। एज इन द प्ले निमी परसुएड्स मकबूल टू किल अब्बा जी, रोल वही प्ले कर रही है वो जो लेडी मैकबेथ ने किया था। तो निमी मकबूल को अब्बा जी यानी कि अपने खुद के हस्बैंड को किल करने के लिए कहती हैं जिससे कि पूरी पावर मकबूल के हाथों में आ जाए। व्हाट फॉलोज क्लोजली पैरेलल्स मैकबेथ व्हेन मेंबर्स ऑफ द क्लैन टर्न्स अगेंस्ट मकबूल। पूरे क्लैन के लोग मकबूल के अगेंस्ट हो जाते हैं जिस तरीके से मैकबेथ के अगेंस्ट हुए थे और मकबूल मारे जाते हैं इन द एंड। फिल्म का एंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। निमी और मकबूल के बच्चे को समीरा अडॉप्ट कर लेती हैं। समीरा जिन्होंने मेलकम और डोनल बेन दोनों का रोल प्ले किया, जो कि अब्बा जी की डॉटर हैं, और उनके हस्बैंड जो कि फ्लियंस का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका मूवी में नाम है गुड्डू। अब कंपैरिजन देखते हैं। हमारी मूवी में मकबूल मूवी में विचेस नहीं है, सुपरनैचुरल नहीं है। बैकड्रॉप है मुंबई के अंडरवर्ल्ड का। विशाल भारद्वाज की मूवी है। इट बिगिंस विद टू करप्ट पुलिसमैन, जिनको कि हम वियर्ड सिस्टर्स या वियर्ड विचेस कह सकते हैं। दे आर मेकिंग अ प्रोफेसी अबाउट मकबूल दैट मकबूल विल सून बी प्रमोटेड, और उनके पास एक एस्ट्रो चार्ट भी है जिसकी हेल्प से वो ये सारी प्रिडिक्शंस करते हैं, प्लेड बाय नसरुद्दीन शाह एंड ओम पुरी। अब यहाँ पर रोल आता है हमारी लेडी मैकबेथ का। लेडी मैकबेथ जो कि लव इंटरेस्ट है मकबूल का और वाइफ है अब्बा जी की यानी कि डंकन कैरेक्टर की। लेडी मैकबेथ
मकबूल को परसुएट करती हैं कि व्हाई डोंट यू किल अब्बा जी एंड टेक हिज प्लेस। आप लोगों को बर्नम वुड्स के बारे में याद होगा, आपने मैकबेथ पढ़ा है तो विचेस ने कहा था मैकबेथ को कि अनलेस एंड अंटिल बर्नम वुड्स एंटर और प्रिपेयर्स टू किल यू, यू विल नॉट बी किल्ड। यहाँ पर पुलिसमैन ने प्रेडिक्शन किया कि तुम सेफ हो अनलेस एंड अंटिल सी एंटर्स इन योर हाउस, लेकिन इन रियलिटी सी ने एंट्री नहीं ली, कुछ कस्टम ऑफिसर्स ने एंट्री ली क्योंकि एक डील थी जो कि मकबूल ने की थी, स्मगलिंग डील, उसकी जांच पड़ताल, उसकी स्क्रूटनी के लिए सी पोर्ट से कस्टम ऑफिसर्स इनके घर में आए। इन द मीनवाइल निमी हैज गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड एंड द पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड रिमेन्स अनसर्टेन, ऑल्दो मोर इट गोज टुवर्ड्स मकबूल। बट मकबूल को एक थोड़ा सा डाउट होता रहता है कि वेदर इट इज मकबूल्स और अब्बाजीज। अपॉन विटनेसिंग दैट द न्यू बॉर्न इज बीइंग ड्यूली टेकन केयर ऑफ बाय द न्यू वेड्स गुड्डू, जिन्होंने फ्लियंस का रोल प्ले किया, और समीरा, जिन्होंने मेलकम और डैनियल बेन का रोल कंबाइंडली प्ले किया। तो बिल्कुल लास्ट में मकबूल आते हैं कि शायद सबको मार देंगे हॉस्पिटल में, लेकिन जब देखते हैं कि हॉस्पिटल में उन्हीं का बेबी, शायद मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं का और निमी का बेबी अडॉप्ट किया जा रहा है बाय दीज टू पीपल, तो शायद उनके दिमाग में आता है कि अब शांति की ज़रूरत है और वो अपना बदला लेने का और वॉयलेंस करने का इरादा त्याग देते हैं। लेकिन मकबूल को मार दिया जाता है बाय अनदर गैंगस्टर जिनका नाम है बोटी, जो कि एक कॉम्प्लिस रहे हैं गुड्डू के। विद मकबूल डाइंग इन द फाइनल शॉट द स्क्रीन ग्रेजुअली टर्न्स रेड और धीरे 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 सब कुछ डिसअपियर होता चला जाता है इनटू नथिंगनेस। शायद एक मैसेज दिया जाता है कि वॉयलेंस अल्टीमेटली टर्न्स इनटू नथिंगनेस। अब देखते हैं दोनों का आपस में कंपैरिजन, मैकबेथ और मकबूल का कंपैरिजन, और बहुत ही बैलेंस्ड नरेशन की गई है और बिल्कुल वही पैरेलल रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं जो कि मैकबेथ में थी। हमारी मकबूल में दिखाए गए मकबूल और अब्बा जी का बिल्कुल फादर सन सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, द सेम वाज शोन इन मैकबेथ 2। और इतना हार्मोनियस रिलेशनशिप है जो कि किलिंग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है कंसीडरिंग द एडिशन ऑफ द फादर सन ट्रॉप। इसके बाद आप देखिए तीन विचेस, मैकबेथ में दिखाई गई तीन विचेस थोड़ा सुपरनैचुरल दिखा दिए। उस टाइम पर, शेक्सपियर के टाइम पर, सुपरनैचुरल दिखा दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। अब मूवी बनाई गई कॉन्टेम्प्ररी टाइम में विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मैजिकल रियलिज्म, तो मूवी में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ना दिखाकर दो करप्ट पुलिसमैन दिखाए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ ओम पुरी एंड नसरुद्दीन शाह, जो कि वही सभी प्रेडिक्शंस करते रहते हैं जो विचेस ने की थी। लव, मैरिज, इन रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। मैकबेथ की वाइफ दिखाया गया था लेडी मैकबेथ को, लेडी, लेकिन यहाँ पर मकबूल की वाइफ नहीं बनी है तबू, तबू इज एक्चुअली द वाइफ ऑफ द डंकन कैरेक्टर, निमी नाम है इनका मूवी में। द मॉडिफाइड रोमांस बिटवीन निमी एंड मकबूल इज एन इलिसिट अफेयर, मकबूल, निमी, अब्बाजी एंड द अदर्स आर ऑल इंटैंगल्ड इन द वेब ऑफ डिसीट, धोखा, एम्बिशन, डिजायर एंड लस्ट। तो ये सारे रिलेशनशिप को, लव, अफेयर, रोमांस, इन सारे रिलेशनशिप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया यहाँ पर। मकबूल भी अब्बा जी को मार देते हैं जैसे कि मैकबेथ ने डंकन को मारा था, और देखिए यहाँ पर शायद वो फादर सन रिलेशनशिप ही है जिसकी वजह से मारते हुए उनकी तरफ देख भी नहीं पाते। मकबूल एंड्स अप किलिंग अब्बा जी नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर निमी, बट ही इज ऑल्सो कंज्यूम्ड बाय रिसेंटमेंट एट द थॉट ऑफ सर्विंग अंडर गुड्डू। अब मकबूल को ऐसा लगता है कि अब्बा जी की डॉटर की तो शादी होने वाली है और गुड्डू जो कि उन्हीं के एक कॉम्प्लेक्स काका का बेटा है जिन्होंने बैंको का रोल प्ले किया, तो बैंको का बेटा अब हमारा ये बिजनेस संभालेगा, इससे अच्छा है कि मैं मार दूं और खुद ये बिजनेस संभालना शुरू कर दूं, तो यही सोचकर वो अब्बा जी को मार देते हैं। मकबूल थिंक्स कि दिस पर्सन गुड्डू विल टेक ओवर अब्बा जी शेयर एज दी सन इन लॉ। All this drives Makbul to kill Abbaji the night before the wedding of Samira and Guddu. एक और बात, Makbul's resolve to kill Abbaji gets further strengthened when he comes to know from policemen that Abbaji might have killed his own mentor to become the leader of the gang.
एक और बात पता चलती है मूवी के वॉचर्स को कि अब्बा जी ने भी अपने मेंटर का मर्डर किया था इस पोजीशन को एक्वायर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मकबूल के एक्ट को थोड़ा सा जस्टिफाई किया जाता है। ऑल दो किसी को मारने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन हमारी मूवीज में इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा बेटर है बाकी कैरेक्टर से, जिससे कि हमारी सिंपथी मिल जाती है। अल्टीमेटली अपॉन द किलिंग ऑफ अब्बा जी एवरीवन हैज अ डाउट रिगार्डिंग मकबूल्स इंटेंशंस व्हिच रिजल्ट्स इन रीग्रुपिंग ऑफ द गैंग एंड इवेंचुअल आइसोलेशन ऑफ मकबूल। मकबूल ने मारा है, लगभग सभी को शक हो जाता है धीरे धीरे, और पूरे गैंग की रीग्रुपिंग हो जाती है, कुछ मकबूल के फेवर में, कुछ मकबूल के अगेंस्ट। तो डंकन या अब्बा जी को मारने के बाद मकबूल को ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, और सबसे बड़ी रुकावट है काका यानी कि बैंको और उनका बेटा फ्लियंस यानी कि गुड्डू। द फिल्म इज एन अल्टीमेट ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर आई विल से। फॉर एग्जाम्पल, अ मीटिंग ऑफ मकबूल्स गैंग रिप्लेसेस द बैंक्वेट सीन इन विच बोथ काका एंड गुड्डू, बैंको और फ्लियंस आर मिसिंग। तो मकबूल की एक मीटिंग चल रही है जिसमें अचानक से दिखाया जाता है कि बैंको और फ्लियंस यानी कि काका और गुड्डू मिसिंग है। वी कम टू नो कि कहीं ना कहीं मकबूल ने आदेश दिए हैं इन दोनों को गायब करवाने के या मरवाने के। उसी वक्त काका की डेड बॉडी घर लाई जाती है। डेड काका इज ब्रॉट बैक, ही इज डेड। लेकिन मकबूल को ऐसा लगता है कि उन्होंने आंख खोली है और मुझे देखा है, जिस तरीके से मैकबेथ ने बैंको का गोस्ट देखा था। मकबूल आप देख सकते हैं कितने विजिबली डिस्टर्ब्ड हैं और बार बार कह रहे हैं कि हिज आईज आर ओपन, आई हैव सीन हिम, वेरी डिस्टर्ब्ड अपॉन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद डेड काका। क्राइम तो किया है, मारा तो है, चाहे जितना ही जस्टिफाई कर ले, और मारने में सिर्फ मकबूल का ही नहीं निमी का भी हाथ था। निमी को हर जगह खूनी खून दिखाई देने लगता है, वही रेफरेंस जो कि मैकबेथ में भी यूज किया गया था। निमी हु लाइक लेडी मैकबेथ बिकम्स इंक्रीजिंगली पोसेस्ड बाय इमेजिनरी ब्लड स्टेन्स। द सुपरनैचुरल डिमेंशन ऑफ मैकबेथ इज फैसिनेटिंगली रीवर्क इन एलिगोरिकल टर्म्स। यहाँ पर भी उसी एलिगरी का इस्तेमाल किया गया है। लेडी मैकबेथ हमेशा अपने हाथ धोती रहती है, उनको हमेशा लगता रहता है कि हाथों पर खून लगा हुआ है। इवन वाइल द सेटिंग ऑफ करप्ट पॉलिटिक्स एंड क्राइम इज डिपिक्टेड इन रियलिस्टिक टर्म्स, एवरीथिंग इज शोन इन द सेम मैनर एज इन मैकबेथ। जब मैं आपको मैकबेथ बता रही थी तो मैंने बर्नम वुड्स के बारे में बताया था, विचेस ने भविष्यवाणी की थी कि यू आर सेफ अनलेस एंड अंटिल बर्नम वुड्स कम्स टू यू। जंगल खुद चलकर तुम्हारी तरफ आएगा, तब तुम्हें कुछ हार्म होगा, अदरवाइज यू आर सेफ। तो मैकबेथ बिल्कुल सेफ फील करके आराम से बैठ जाते हैं। यही होता है मकबूल के साथ, उन्हें बोला गया कि सी खुद चलकर तुम तक आएगा। द कमिंग ऑफ सी इन द फिल्म इज प्रपोज्ड पैरेलल विद द बर्नम वुड वॉकिंग ऑफ द प्ले, व्हिच वुड हैव हैड टू बी ड्रॉप्ड इन एनी लिटरल ट्रांसपोजिशन। बहुत बार बहुत सारे और अडेप्टेशंस ऐसे हुए हैं जिनमें कि इस बर्नम वुड वॉकिंग को ड्रॉप किया गया, लेकिन विशाल भारद्वाज ने बहुत ही क्लेवरली बर्नम वुड वॉकिंग को कमिंग ऑफ द सी में अडेप्ट कर लिया। स्टोरी तो हमने देख ली है, थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं कुछ सीन्स को। एक सीन है मूवी में जिसमें कि बड़ी सी कढ़ाई में मकबूल खाना बना रहे हैं, और इमीडिएटली उनके दिमाग में विचार आता है कि कितना अच्छा हो अगर मैं इस कढ़ाई में अब्बा जी को पका सकता। और अब्बा जी का भी एक डायलॉग उसी वक्त आ जाता है, फील लाइक थ्रोइंग माई सेल्फ इन दी पॉट। वो मजाक में कहते हैं, लेकिन लुक एट दी एक्सप्रेशन ऑफ मकबूल, उन्हें ऐसा लगता है कि काश ऐसा सच में हो पाता। सो मकबूल इज सीन प्रिपेयरिंग फूड इन बिग कॉल्ड्रॉन, बिग कड़ाही, द डे बिफोर मर्डरिंग अब्बा जी एज ही प्लान्स फॉर किलिंग। मारने का मन तो बना ही चुके होंगे। एंड आफ्टर अ वाइल ही हेल्यूसिनेट्स द सेम कॉल्ड्रॉन फिल्ड विद ब्लड। एक ऐसा विजुअल जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि उनके दिमाग में किस तरीके का प्रोवोकेशन चल रहा है, दैट ही इज अबाउट टू कमिट, एक तरीके की फोर शेडोइंग है ये। सो एज भारद्वाज टेक्स लिबर्टीज विद द शेक्स एक्सपीरियन प्ले एंड डिपार्ट फ्रॉम इट टाइम टू टाइम। भारद्वाज, विशाल भारद्वाज कई बार बहुत सारी लिबर्टीज लेते हैं, लेकिन इन लाइन ही रहते हैं ओरिजिनल प्लेस के, ओरिजिनल प्ले की बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, लेकिन उनको थोड़ा सा इंडियनाइज जरूर कर देते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं सिटिंग की। इन एडिशन टू द चेंज इन द सिटिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड
of 16th century to the present day, Mumbai Underworld. भारद्वाज जी ने काफी लोकल फ्लेवर ऐड किया है लैंग्वेज पर और स्पीच पर, बहुत सारी ऐसी रेंज ऑफ वर्ड्स यूज किए जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बोली जाती है इंडिया में, मुंबईया हिंदी और उर्दू, रेप्लिकेटिंग दी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई. मुंबई किस तरीके से एक मेट्रो सिटी है वो सभी पूरा कल्चर भी दिखाया गया. इन प्लेस ऑफ नॉबल जनरल्स एंड रॉयल्टी द फिल्म पोर्ट्रेज मेन फ्रॉम द बॉम्बे अंडरवर्ल्ड, मुंबई अंडरवर्ल्ड एंड प्लेसेस देम इन द मुस्लिम वर्ल्ड ऑफ मकबूल. तो वो सेटिंग तो दे नहीं सकते थे, 16th सेंचुरी की रॉयल सेटिंग तो दे नहीं सकते थे. वैसा होता तो फिर कंप्लीट यू नो हिस्टोरिकल अडेप्टेशन करना पड़ता. अडेप्टेशन हिस्टोरिकल नहीं है, कॉन्टेम्प्रेरी है. इसी वजह से बिल्कुल कॉन्टेम्प्रेरी सिटी, कॉन्टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज, कॉन्टेम्प्रेरी लैंग्वेज दिखाई गई है. लास्ट में देखिए आप क्या लिख सकते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ मकबूल लाइज इन द फैक्ट दैट विशाल भारद्वाज इज एबल टू यूटिलाइज एंड इन्वॉल्व द कन्वेंशंस ऑफ बॉलीवुड इन क्रिएटिंग अ फिल्मिक अडेप्टेशन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले. तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं बॉलीवुड स्टाइल में मूवी का अडेप्टेशन करने में, एज सिंपल एज दैट, विच एज अ रिजल्ट मेक्स मकबूल वन ऑफ द नोटवर्दी फिल्म्स ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स. बहुत ही यू नो एक कल्ट मूवी माना जाता है इसको, नॉट ओनली इन बॉलीवुड बट इवन एट द ग्लोबल लेवल. इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू शेक्सपियरियन अडेप्टेशंस विच हैव बीन एबल टू कैप्चर द कॉम्प्लिकेशंस, ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्ले वाइल रूटेड इन अ लोकल फ्लेवर. कॉम्प्लिकेशंस को भी कंटिन्यू किया है, सारी प्रिडिक्शंस को कंटिन्यू किया है, सारे कैरेक्टर्स का पैरेललिज्म भी प्रोवाइड किया है, और उसके बाद भी ये प्ले हिस्टोरिकल प्ले, ये मूवी जो है हिस्टोरिकल नहीं है, कॉन्टेम्प्रेरी रहती है. तो बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया हर चीज़ को, लेकिन वो रियल फ्लेवर का टच अभी भी मूवी में है. दोनों में ही दिखाया गया डिजायर, डिजायर किस तरीके से कुछ भी करने के लिए प्रवोक कर देता है, द डिजायर फॉर पावर, रिप्रेस्ड इमोशंस एंड डिकोटमीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रेम द कोर एलिमेंट ऑफ मकबेथ एंड मकबूल बोथ. इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से परफॉर्म करिए अपने एग्जाम में. वीडियो को 2 से 3 बार देखिए. अगर वीडियो देखते देखते साथ में आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं तो दैट विल रियली बी वेरी गुड फॉर यू. आपको सभी फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. और एग्जाम से पहले मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और एग्जाम के बाद मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई अपने आंसर्स लिखने में. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन.